अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में आपको ऐसी पाकिस्तानी शोबिज़ अदाकारों के बारे में बताएंगे जो कि तकरीबन हर साल रमज़ान में इतकाफ की पाबंद हैं। दोस्तों रमज़ान को मेहमान महीना समझा जाता है और कहा जाता है कि रमज़ान में शैतान को बंद कर दिया जाता है। इस महीने में अल्लाह ताला का फजल करम अपने बंदों के लिए बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री जो कि मुकम्मल तौर पर फहाशी से बड़ी परी है, इसमें भी कुछ ऐसे अदाकार पाए जाते हैं जो कि इस्लाम की पाबंदी करते हैं, इस्लाम के असूलों पर अमल पैरा होने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अदाकाराओं के बारे में बताएंगे जो कि सारा साल बोल्ड ड्रेसिंग करने के बावजूद भी रमज़ान में इतकाफ की पाबंदी करती हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है जवेरिया साउथ का। दोस्तों जवेरिया साउथ सारा साल काफ़ी ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी सालों से रमज़ान में एतकाफ़ की पाबंद हैं। दोस्तों जवेरिया साउथ कई पाकिस्तानी हिट ड्रामों में काम कर चुकी हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है कुबरा खान का। कुबरा खान भी पाकिस्तानी ड्रामों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा कुबरा खान फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने कदम जमा चुकी हैं। दोस्तों कुबरा खान चंद सालों से रमज़ान में इतकाफ़ की पाबंदी करती हैं। इसके बाद नाम आता है यशमा गिल का। दोस्तों यशमा गिल ने अपने एक इंटरव्यू में वाज़ह तौर पर कहा है कि वो अपनी स्कूल लाइफ में अथीस्ट थी, यानी कि वो इस्लाम को तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उन्होंने इस्लाम को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया। दोस्तों इस वक्त यशमा गिल नमाज की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करती हैं और इसके अलावा रमज़ान में इतकाफ के भी सख्त पाबंद हैं। यशमा गिल की ड्रेसिंग इस बात की नफ़ी करती हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये रमज़ान में इतकाफ की पाबंदी करती हैं। दोस्तों इसके बाद नाम आता है ज़ैनब कयूम का। दोस्तों ज़ैनब कयूम फेमस ड्रामा शहनाई में अपना किरदार अदा कर चुकी हैं। इसके अलावा ये कई पाकिस्तानी सुपर हिट ड्रामों में भी काम कर चुके हैं। पिछले चंद सालों से ज़ैनब कयूम का भी नाम इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये भी हर साल इतकाफ बैठती हैं। तो दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा इतकाफ़ बैठे हैं कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा इतकाफ़ बैठे हैं कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।